गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीके का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रिपीटेड सीरीज, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखो इसको। रिपीटेड सीरीज ये आपका सेकंड नंबर लिख देना है इसको। तो जैसे रिपीटेड सीरीज क्या होते हैं उसका एक क्वेश्चन आप लोग पहले देखो। जैसे क्वेश्चन है ए बी देखो, इसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। देखो इसमें सबसे पहले ना इसमें इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऑप्शन नहीं देखना होता है। ऑप्शन देख के सॉल्व करोगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको यहाँ पेयरिंग करना रहता है। ठीक है, तो पेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ जितना लेटर्स है सारे को काउंट कर लो आप। तो यहाँ कितना लेटर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो अब इसको हम लोग देखो 12 से, तो यार इसको जो है हम लोग कितना कंपेयर कर सकते हैं, या फिर 3 × 4 बना सकते हैं, 3 × 4 = 12 होता है, या फिर 4 × 3 होता है। देखो एक चीज़ आपको बता रहे हैं, 3 से स्टार्ट करना है आपको, हमेशा 3 से ट्राई करना स्टार्ट करना है, 2 से नहीं, 3 से। तो 3 × 4 हो गया या फिर 4 × 3, तो आपको दोनों में चेक करना है। ठीक है, इसमें अगर मैच नहीं किया तो इसमें पक्का मैच कर जाएगा। तो आपको पहले इसको हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 का 4 पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आप एक इस तरह से लाइन दे दो। ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ एक लाइन दे दो, 1 2 3 यहाँ लाइन दे दो, 1 2 3, चलो यहाँ क्लियर हो गया। आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को देखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब देखो ए बी डैश डैश बी सी, यहाँ पे देखो बी सी है, लास्ट में सी आ रहा है, तो आप यहाँ पे सी लगा दो। यहाँ पे देखो बी सी है, यहाँ बी सी मैच कर गया, तो आगे में क्या बचा हुआ, यहाँ देखो बी के पहले ए है, यहाँ बी के पहले ए होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर यहाँ देखो, सॉरी यहाँ इसमें ऑप्शन में देखो, जैसे कि अब आप लोग देख रहे हो ए बी सी है, अब यहाँ पर देखो ए है, थर्ड को सेकेंड थर्ड को भी देख सकते हो, या फिर जैसे कि यहाँ पर देखो ए है तो आपको पहले से लिखा हुआ है, बी सी है। ठीक है, यहाँ फोर्थ नंबर भी देख सकते हो, यहाँ सेकेंड में बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। अब यहाँ बच क्या गया, सी सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ए बी है, बचा क्या सी सी आंसर। तो आपका इस तरह से पेयरिंग बन जाएगा, क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक है एच ई जी एफ ई जी एच ई जी एच एफ ई डैश। देखो सबसे पहले आपको काम क्या है, आपका सबसे फर्स्ट वर्क ये होना चाहिए, आपको नंबर लेटर को काउंट करना है। तो कितने लेटर है टोटल देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। तो 16 को हम लोग पेयरिंग करना है। तो 3 के टेबल में तो 16 आता नहीं है, तो किसके बारे में आएगा, 4 के टेबल में, तो यानी कि 4 × 4, और इसका तो और तो कोई पेयरिंग हो ही नहीं रहा है, तो कन्फर्म है 4 × 4 का पेयर होगा। तो आप लोग 4 4 का पेयर कर लो पहले। ठीक है, 1 2 3 4, चलो यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 4, चलो यहाँ भी क्लियर, 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। तो देखना फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग सबसे पहले देखो, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ईजी है, चलो यहाँ पे ईजी लास्ट में है, ईजी के पहले यहाँ एफ है, तो यहाँ पे एफ दे दो। अब यहाँ पे एफ है तो एफ के पहले यहाँ पे क्या है, एच है, तो यहाँ एच दे दो। समझ में आ गया। अब यहाँ भी वही बात करना है आपको, एच डैश ई जी, ठीक है, एच के बाद यहाँ पे क्या एफ है, तो यहाँ पे एफ दे दो। यहाँ पे ई जी है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जी दे दो। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, थर्ड नंबर, जैसे एल
डैश ओ डैश एन एम डैश एल डैश एन डैश डैश एन एम ओ। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ लेटर काउंट करना है, कितने लेटर टोटल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 लेटर हैं यहाँ पर। 16 तो कितने का पेयर होंगे, 4 × 4 के होंगे। आपको 4 का पेयर बना लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो आप देखना स्टार्ट करो, फर्स्ट और सेकंड को देखो। तो फर्स्ट एल एम है, लेकिन यहाँ पे देखो डैश और सेकंड नंबर तो एन आ गया। तो चलो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड को करके देखो, देखो क्या मैच हो रहा है। तो देखो एल है, एम है, यहाँ पे डैश है, देखो यहाँ एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ एम है लेकिन यहाँ पे एम का स्पेस रखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो पक्का यहाँ पर एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपका एल एम एन तो यहाँ पर हो ही रहा है एल एम एन। ठीक है, यहाँ बचा ओ तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। इसको देख लो करके। ठीक है, फर्स्ट थर्ड तो हो गया, सेकंड और फोर्थ को देखो करके। अब तो यहाँ एन एम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो ओ को यहाँ ऑटोमेटिक लिख दो, आप यहाँ पे अपने मन से एल लिख दो। क्लियर, इस तरह से ये बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है ए